फिल्म की शुरुआत रेगिस्तान के बीच मौजूद एक म्यूजियम में कुछ टूरिस्ट के स्वागत से होती है। फिर उन्हें नैन्सी आर्चर नाम की एक मशहूर महिला के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। वीडियो में हम विक्टर लोएब नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जिसने नैन्सी के केस को संभाला था। वो बताते हैं कि भले ही ये केस अनोखा है, लेकिन कहानी में बताई गई घटनाएं पूरी तरह से सच हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है, सीन पास्ट में चला जाता है। हम नैन्सी नाम की एक अमीर लेकिन परेशान महिला को देखते हैं जो अपने पति से उसके ऑफिस में जाकर मिलने की कोशिश कर रही है। सेक्रेटरी को नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि वो मीटिंग का बहाना बनाकर कहीं गायब हो गया था। नैन्सी को शक है कि वो फिर से अपनी बॉस के साथ है, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करती है। कुछ समय बाद वो अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कुशिंग से मिलने जाती है। नैन्सी बताती है कि उसके पति हैरी ने पहले ही अफेयर्स के लिए उससे माफी मांग ली है और वादा किया है कि वो फिर ऐसा नहीं करेगा। वो बताती है कि उसके लिए उसके जैसी अमीर महिला से शादी करना मुश्किल है, जबकि वो उसके पापा के लिए काम भी कर रहा है, इसलिए वो अपनी शादी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ये सुनकर डॉक्टर कुशिंग को नैन्सी पर तरस आता है और उसे कहती है कि पहले वो खुद के बारे में सोचे और अपनी जिंदगी जिए, लेकिन बाद में नैन्सी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अचानक सेशन खत्म कर देती है। शाम को नैन्सी एक मोटल में जाती है और हैरी की कार को बाहर पार्क की हुई पाती है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसका पति हैरी अपनी बॉस के साथ यहाँ है। वो उसका नाम चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे मोटल मालिक उसके पास भागता हुआ आता है और दावा करता है कि उसका पति यहाँ नहीं है। नैन्सी को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो आदमी किसी तरह उसे शांत करता है और उसे घर वापस जाने के लिए मना लेता है। जब नैन्सी जा रही होती है, हैरी उसे खिड़की से देखता है, जबकि उसकी बॉस हनी अपनी नाराजगी जताती है। वो नैन्सी को पागल कहती है और हैरी को उसे जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहती है। हैरी सहमत है, लेकिन कहता है कि उसे पहले उसके परिवार की संपत्ति पानी होगी। वो बताता है कि नैन्सी के पिता ने उसे शादी के पहले एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया था, जिससे लिखा था कि तलाक की स्थिति में उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। हैरी फिर हनी को विश्वास दिलाता है कि वो तो सिर्फ उससे ही प्यार करता है और दोनों अपने इंटीमेट हो जाते हैं। इस बीच हम दुखी नैन्सी को रेगिस्तान में गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। कुछ ही समय बाद वो एक नीली रोशनी से चौंक जाती है, जिससे उसे कार रोकनी पड़ती है। फिर एक UFO कहीं से आ जाती है और नैन्सी के गले में पहने हुए पेंडेंट पर लाल लेजर छोड़ती है। जब लेजर गायब हो जाता है तो वो घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। कुछ ही समय बाद वो मोटल में वापस आती है और फिर से हैरी के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी दो शेरिफ उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। नैन्सी अभी भी डर से कांप रही है। वो उस UFO के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ठीक से समझा नहीं पाती, इसलिए शेरिफ उसे उसी जगह पर ले जाने को कहता है। इस बीच एक महिला शेरिफ हैरी के कमरे में जाती है और उसे उसकी पत्नी की हालत के बारे में बताती है। वो हैरी को जल्दी घर लौटने और नैन्सी की देखभाल करने के लिए कहती है। हालांकि चालाक हैरी को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है और वो इसे नैन्सी को पागल ठहराने के लिए सोचने लगता है। फिर नैन्सी शेरिफ के साथ रेगिस्तान में वापस उसी जगह जाती है जहां उसने UFO देखा था। नैन्सी शेरिफ को अपनी बात साबित करने के लिए वहां UFO के सबूत ढूंढने लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि UFO बिना किसी सबूत छोड़े वहां से गायब हो गया है। शेरिफ को लगता है कि नैन्सी पागल हो गई है। कुछ ही देर बाद उसके अमीर पापा हैमिल्टन उसे लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वो नैन्सी को जबरन अपनी कार में बैठने को कहते हैं और जब नैन्सी ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने क्या देखा था, तो उसके पापा सुनने से साफ इनकार कर देते हैं। बेचारी नैन्सी चुप हो जाती है और रास्ते में उसके पापा हैमिल्टन उसे उसके पागलपन के लिए डांटते हैं। वे उसे वार्न करते हैं कि वो फिर से ऐसी पागलों जैसी हरकत ना करे। घर पहुंचने पर हैमिल्टन उससे कई डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे नैन्सी को उसकी दिवंगत माँ से विरासत में मिली संपत्तियां को खोना नहीं चाहते। उसके बाद वो स्टोर रूम में जाती है और अपने बचपन के खिलौनों की यादों में खो जाती है। अपनी फोटो एल्बम को पलटते समय हैरी अचानक वहां आता है और उसे किस करता है। नैन्सी उससे उसकी चीटिंग और अपनी बॉस के साथ संबंध खत्म करने के झूठे वादे के बारे में पूछती है। हालांकि हैरी एक बार फिर उसे बरगलाता है, दावा करता है कि वो उसकी बॉस हनी के साथ संबंध तोड़ने के लिए ही मोटल गया था। नैन्सी बेवकूफों की तरह उस पर विश्वास कर लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन नैन्सी डॉक्टर कुशिंग को UFO की घटना के बारे में बताती है। हालांकि नैन्सी को डर है कि वो भी इस्टर यकीन नहीं करेगी, डॉक्टर नैन्सी की बातों पर विश्वास करती है और नैन्सी से सारी बातें सुन लेती है, जिससे नैन्सी को कुछ राहत मिलती है। इसके बाद नैन्सी हैरी को कल के UFO के बारे में बताती है। जैसा कि अपेक्षित था,
हैरी उसकी बातों को खारिज कर देता है और सुझाव देता है कि वो इलाज के लिए कुछ दिन दूर चली जाए। नैन्सी समझती है कि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। हालांकि नैन्सी जो कुछ भी देखती है उसके बारे में अडिग रहती है और हैरी को आज रात खुद देखने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहती है। हैरी मान जाता है, वादा करता है कि अगर उन्हें यूएफओ दिखती है तो वो और उसके पापा सबके सामने उससे माफी मांगेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नैन्सी को मेंटल हॉस्पिटल जाना ही होगा। उस रात बाद में दोनों रेगिस्तान में पहुंचते हैं और एलियंस का इंतजार करते हैं। पहले कुछ घंटों के लिए वे कुछ भी नहीं देखते हैं और हैरी को यकीन होने लगता है कि नैन्सी सच में पागल हो गई है। लेकिन फिर यूएफओ अचानक वहां आती है जिससे हैरी हैरान रह जाता है। नैन्सी खुशी से यूएफओ के पास जाती है लेकिन यूएफओ में से एक लेजर बीम निकलती है और उसे दूर ले जाती है। हैरी को यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अभी अभी क्या देखा है, इसलिए वो अधिकारियों को घटना के बारे में बताए बिना चुपचाप घर लौट आता है। कुछ समय बाद हनी अपने कमरे में होती है जब उसे अपनी छत पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो एक कुल्हाड़ी पकड़ती है और छत की ओर जाती है। वो वहां नैन्सी को देखकर चौंक जाती है। नैन्सी अजीब सा बर्ताव कर रही होती है और हनी की तारीफ भी कर रही थी, लेकिन जल्द ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है जिससे हनी उसकी मदद के लिए दौड़ती है। अगले सीन में नैन्सी को घर लाया जाता है और पूरी तरह से हेल्थ चेकअप किया जाता है। डॉक्टर कुशिंग का मानना है कि उसे किसी प्रकार की मेंटल बीमारी है जो उसे इस तरह की हरकतें करने को मजबूर कर रही है। हालांकि सभी टेस्ट नतीजे नॉर्मल निकलते हैं जिससे पता चलता है कि वो ठीक है। अजीब बात यह है कि नैन्सी को पिछली रात क्या हुआ था इसकी कोई याद नहीं है। उसके पापा को शक है कि हैरी ने उसे किसी मकसद से वहां छोड़ दिया था, लेकिन हैरी इससे साफ इनकार करता है। दोनों में जल्द ही बहस हो जाती है जिसमें नैन्सी के पापा हैरी पर उनकी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हैरी भी जवाब में कहता है कि वे तो सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल करने का नाटक करते हैं, जबकि उन्हें तो नैन्सी की संपत्ति हथियानी है। हैरी आगे बताता है, नैन्सी के पापा ने उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही किया था और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया जहां उसने सुइसाइड किया। ये सब सुनकर नैन्सी आखिर में टूट जाती है और दोनों को चुप रहने के लिए चिल्लाती है। लेकिन इस दौरान नैन्सी को महसूस होता है कि उसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली पर कस रही है और फिर टूट जाती है। वो कुर्सी पर गिर जाती है। नैन्सी का शरीर अपने आप बढ़ने लगता है और उसकी ड्रेस फटने लगती है। डरकर नैन्सी पूछती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वहां मौजूद तीनों नैन्सी को बस देखते ही रहते हैं। आखिरकार वो 50 फुट के विशालकाय आकार में बदल जाती है और उसका सिर छत को भी फाड़ जाता है। अगली सुबह नैन्सी को घर के पास एक बड़े तबेले में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां हैरी डॉक्टर विक्टर लोएब नाम के एक फेमस फिजिशियन को उसकी अजीब स्थिति की जांच करने के लिए लाता है। डॉक्टर नैन्सी को कंट्रोल वातावरण में रखने का सुझाव देता है। नैन्सी को पता चलता है कि ये उसके पति की उससे छुटकारा पाने की कोशिश है, इसलिए नैन्सी डॉक्टर पर चिल्लाने लगती है। जब वो उसे चोट पहुंचाने की धमकी देती है तो डॉक्टर डर के मारे में भाग जाते हैं। बाद में हैरी डॉक्टर लोएब को नैन्सी को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने में नाकामयाब रहने के लिए डांटता है। डॉक्टर बताते हैं कि नैन्सी अब बहुत ताकतवर हो चुकी है, ऐसे में उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल होगा। लेकिन फिर वे ये भी बताते हैं कि नैन्सी के बढ़े हुए शरीर ने उसके दिल पर काफी प्रेशर डाला है जिससे उसके लिए कोई भी तनाव नैन्सी को दिल का दौरा ला सकता है। हैरी ये जानकर खुश होता है और वो प्लान्स बनाने लगता है कि कैसे नैन्सी को दिल का दौरा पड़ सकता है। जैसे जैसे नैन्सी बड़ी होती है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और ताकतवर होती जाती है। एक रात उसके पापा उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने के लिए देते हैं, पर नैन्सी कहती है कि ये इतने छोटे हैं कि वो इस पर साइन नहीं कर सकती। हालांकि उसके पापा बताते हैं कि वो किसी बड़े कार्डबोर्ड पर साइन कर सकती है और फिर उसे ग्राफिक्स से छोटा किया जा सकता है। लेकिन फिर नैन्सी मांग करती है कि वो पहले उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बड़ा प्रिंट करें ताकि वो साइन करने से पहले उन्हें पढ़ सके। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बड़े प्रिंट होने पर आसपास के लोग भी इसे पढ़ेंगे जबकि ये निजी डॉक्यूमेंट्स हैं। हालांकि नैन्सी नहीं मानती और अपनी बात पर अड़ी रहती है। अगली शाम वो अपने और हैरी के लिए एक रोमांटिक डिनर रखती है। अपने विशाल आकार के कारण नैन्सी उसे एक डिलीवरी वैन के ऊपर चढ़ाती है। फिर डिनर के दौरान वो हैरी को पूछती है कि उसने उसे उस दिन रेगिस्तान में क्यों अकेला छोड़ दिया, लेकिन हैरी जानबूझकर बात को टाल देता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद नैन्सी अब भी हैरी के साथ रहना चाहती है और हैरी से अपनी शादी को बचाने की बात करती है। हालांकि हैरी नैन्सी की भावनाओं को हर्ट करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है और हनी बिस्तर में उससे बेहतर है। वो अपने दूसरे फ्रॉड केसेस पर भी चर्चा करता है जिसमें नैन्सी का चचेरा भाई भी शामिल है। ये सब सुनने के बाद
नैन्सी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और वो तबेले की छत पर गिर जाती है। हैरी को लगता है कि नैन्सी को दिल का दौरा पड़ा है और उसकी मौत हो चुकी है। खून होकर वो फौरन अपनी बॉस से मिलने जाता है और उसे नैन्सी के हीरे के हार से इम्प्रेस कर देता है। वो उसे बताता है कि नैन्सी मर गई है और अब वे अब साथ रह सकते हैं। ये खबर सुनकर हनी खूनी झूम उठती है और हैरी के साथ डांस करने लगती है। हालांकि उन्हें पता नहीं होता कि नैन्सी बस बेहोश हो गई थी। उसके ऊपर फिर से यूएफओ एक रोशनी डालती है जिससे नैन्सी जाग जाती है। नैन्सी अब गुस्से में इधर उधर हैरी की तलाश करने लगती है। लोग इतनी बड़ी औरत को देखकर चौंक जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर कुशिंग और डॉक्टर लोएब उसके पास आते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। हालांकि नैन्सी को तो अब सिर्फ हैरी चाहिए और कुछ नहीं। फिर शहर में इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार वो हनी के घर के सामने पहुंच जाती है। उसका सामना करने के लिए हनी अपनी बंदूक पकड़ लेती है जबकि डरपोक हैरी एक डेस्क के नीचे छिप जाता है। हालांकि नैन्सी आसानी से हनी से बंदूक छीन लेती है और उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है। उसे चोट पहुंचाने के बजाय वो हनी से कहती है कि वो एक समझदार औरत है और उसे एक बदचलन की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस बीच मौके का फायदा उठाकर हैरी अपनी कार में भागने की कोशिश करता है लेकिन नैन्सी उसे कार से बाहर खींच लेती है। इस बीच दो नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर नैन्सी को रोकने की कोशिश करते हैं। एक पायलट उसे अपने पति को छोड़ने का आदेश देता है लेकिन नैन्सी मना कर देती है और इसके बजाय रेगिस्तान की ओर भाग जाती है। वहां नैन्सी अपने पापा पहले ही मौजूद थे। वो एक मेगाफोन के जरिए नैन्सी को कहते हैं कि वो उसे और शर्मिंदा न करे और इस पागलपन को खत्म करे। नैन्सी न केवल मना कर देती है बल्कि वो अब पापा के अवैध बिजनेसेस एम्पायर के बारे में लोगों को बताने लगती है। इस समय नेशनल गार्ड अब स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल होते देख नैन्सी पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। नैन्सी ज्यादातर गोलियों से बचने में सफल हो जाती है लेकिन आखिर में वो बिजली की तारों पर गिर जाती है जिससे नैन्सी को हाई वोल्टेज वाला करंट लगता है और फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। सब लोग हैरान होकर देख ही रहे थे कि तभी यूएफओ फिर से नैन्सी को बचाने वहां आती है और इस बार लेजर बीम छोड़कर नैन्सी के साथ साथ हैरी को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर वहां हर कोई चौंक जाता है और समझ जाते हैं कि नैन्सी यूएफओ के बारे में वाकई झूठ नहीं बोल रही थी। बाद में एक रिपोर्टर डॉक्टर कुशिंग से घटनाओं के बारे में बात करता है और पूछता है कि नैन्सी अब कहां हो सकती है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है लेकिन उन्हें खुशी है कि नैन्सी अब हैरी के साथ है। आखिरी सीन में हम हैरी को यूएफओ में एक थेरेपी रूम में दो और पतियों के साथ देखते हैं। वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तभी नैन्सी दो और विशालकाय औरतों के साथ वहां आती है और हैरी को डांटती है। वो उसे सुधरने को कहती है। उसने धरती पर अपने किए हुए बर्ताव पर विचार करने के लिए कहती है और यान का दरवाजा बंद कर देती है जिससे फिल्म समाप्त हो जाती है।